हेलो एवरीवन, मैं मयूर बरोट, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल गुज्जियास पर मयूर में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। हालांकि गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सैनिटाइज़र जो हम घर पे कैसे बना सकते हैं। ये एक मेरा एक ब्लॉग है जो आपको सैनिटाइज़र बनाना डेफिनेटली सिखाएगा। सिर्फ जो 3 इन्ग्रीडियंट्स चाहिए गाइस घर पर सैनिटाइज़र बनाने के लिए। हालाँकि बाज़ार में जो है अभी सैनिटाइज़र की प्राइस बहुत बढ़ गई है, मेडिकल में भी काफ़ी जगह पे शॉर्टेज भी हो गई है। तो अगर आपके पास सैनिटाइज़र है और अगर ख़त्म हो जाता है तो आप घर पे ही सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से कैसे बना सकते हो, मैं आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ। राइट्स, तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। हालांकि हमारे पास इंग्रेडिएंट सारे रेडी है तो हम बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट डेफिनेटली करें। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे बनाते हैं। हालांकि इंग्रेडिएंट्स हमारे पास रेडी है, सबसे पहले क्या चाहिए मैं वो बता देता हूँ गाइस, उसके बाद मैं आपको स्टेप दिखाऊंगा। सबसे पहले हमें जो चाहिए एलोवेरा का पल्प चाहिए, एक बाउल में हमने निकाल दिया है। राइट गाइस, ये जो है विटामिन ई का ऑयल है, आप बॉडी ऑयल को कुछ भी यूज़ कर सकते हो। राइट गाइस, ये हमें सिर्फ एलोवेरा में चाहिए ताकि इसमें से जो अगर लंबे टाइम तक रहता है तो इसमें से बदबू ना आए, दैट्स व्हाई हमें ये डालना है। ओके गाइस, ये जो है ग्लिसरीन रेडी हमारे पास। राइट, और स्पिरिट जो है वो हमारे पास रेडी है, मतलब ये सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स हो गए गाइस। ये जो है ऑप्शनल है। ओके गाइस, ये और परफ्यूम कोई भी आप ले सकते हो, एक अच्छी स्मेल के लिए आपको अगर परफ्यूम चाहिए तो आप उसमें ऐड कर सकते हो। ओके गाइस, तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। ओके गाइस, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कि इसको बनाना कैसा है घर पे। ओके गाइस, सबसे पहले हम लोग अभी लेते हैं एलोवेरा जो है उसका पल्प होता है, ये हमने अच्छे से छान लिया है। तो ये जो है अभी एक लिक्विड की तरह हो गया है। राइट गाइस, इसके साथ हम थोड़ा डालेंगे और ये जो होता है बॉडी ऑयल होता है, कोई भी बॉडी ऑयल जो इस अच्छी स्मेल वाला डाल सकते हैं। और हालांकि ये जो विटामिन ई है वो कंटेन करता है। हालांकि इसको क्यों डालना है गाइस, इसको इसलिए डालना है ताकि ये जो एलोवेरा है अगर वो लंबे टाइम तक रहेगा तो इसकी शायद बदबू आ सकती है। तो इसके लिए अगर हम विटामिन ई ऑयल या फिर कोई भी बॉडी ऑयल जो होता है उसको डाल देंगे तो इसकी स्मेल हमें कंटिन्यू अच्छी आती रहेगी और ये स्टेल नहीं होगा, राइट, फ्रेश ही रहेगा। ओके, तो अभी क्या करना है गाइस, ये सब हो गया। राइट, अभी ये जो हमने स्पिरिट ले लिया है, सबसे पहला इंग्रेडिएंट डेफिनेटली ये स्पिरिट रहेगा। ओके गाइस, तो जितना हम स्पिरिट ऐड करते हैं, ये जो एक गिलास है हमारे पास, हमने ये थोड़ा सा स्पिरिट ले लिया है। ओके गाइस, ये स्पिरिट ले लिया है, स्पिरिट जितना हमने लिया है उससे आधा, मतलब ये जो हमने स्पिरिट लिया हुआ है, राइट गाइस, ये जो स्पिरिट लिया है तो उससे थोड़ा कम, मतलब ऑलमोस्ट आधा ये डालेंगे। राइट गाइस, हालांकि ये थोड़ा ज़्यादा पड़ गया है मुझसे तो मैं इसको हिला दूंगा और थोड़ा स्पिरिट और ले लूँगा। राइट, मतलब जितनी क्वांटिटी स्पिरिट की है गाइस, जितनी क्वांटिटी स्पिरिट की है उससे थोड़ी या फिर उससे आधा, राइट, हाफ ऑफ स्पिरिट क्या होना चाहिए, जो पल्प है वो होना चाहिए एलोवेरा का। ओके गाइस, राइट, अभी ये हो गया। नाउ ये जो है ग्लिसरीन, राइट, थर्ड वन इज ग्लिसरीन। ग्लिसरीन कितना लेना है, ओनली 1 टेबल स्पून गाइस। राइट, तो ये जो है ग्लिसरीन ओनली 1 टेबल स्पून आ जाएगा। ओके, ये हो गया 1 टेबल स्पून ऑफ ग्लिसरीन। राइट गाइस, बस दैट्स इट गाइस, सिर्फ इतना ही प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। और ये जो ग्लिसरीन के बाद हमें इसको हिला देना है, राइट, तो अच्छे से शेक कर देना है, शेक कर देना है ताकि ये अच्छा सा एक बन जाएगा। राइट, फ्रेग्रेंस के लिए, राइट गाइस, अगर अच्छा सा खासा हम लोग सैनिटाइज़र जब बना ही रहे तो फ्रेग्रेंस तो अच्छी होनी ही चाहिए। राइट, इसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने इसके लिए लिया है फॉग का सेंट। राइट, तो मैं ये थोड़ा डालूंगा इसमें, तो हालांकि मुझे बहुत अच्छा इसमें देखने को रिजल्ट मिल जाएगा। राइट गाइस, इसको अभी मैं शेक कर दूंगा। गाइस, तो ये जो हमारा सैनिटाइजर रेडी हो गया है, अगर आप जानते हैं इसमें कि आपने क्या डाला हुआ है, राइट गाइस, डेफिनेटली आप जानते हैं। तो अगर आप ये इसको यूज़ करते हैं घर पे ही बना के, तो डेफिनेटली ये आपको
बहुत अच्छा, मतलब आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। बाज़ार से भी जब लेते हैं आप तो आपको पता नहीं होता कि एक्चुअली इसमें होता क्या है, लेकिन ये जो आपने खुद ने बनाया तो आपको पता है कि इसमें क्या है और मैंने क्या डाला है, राइट? तो ये आपके लिए बहुत सेफ़ है और चीपर भी है। मतलब बहुत, अगर आप इसकी कॉस्ट अगर गिनते हो, अगर मान लो 100 ml आप बनाते हो आप इसको, तो इसकी कॉस्ट अगर आपको आएगी तो 50 से 55 रुपये आएगी गैस, राइट? तो इतनी कॉस्ट आएगी, तो मतलब बाज़ार से तो काफ़ी गुना, मतलब ये सस्ता हो ही गया गाइस, राइट? तो ये हमारा सैनिटाइज़र जो है रेडी है। हम अब इसको ऐसे खाली बोतल में हम इसको भर देंगे और इसको यूज़ कर सकते हैं अभी, राइट गाइस? ओके गाइस, तो ये जो है सैनिटाइज़र हमारे पास रेडी है। हालांकि स्पिरिट की जो स्मेल होती है वो थोड़ी ऑड होती है, तो हमने इसी की वजह से जो है फॉग का सेंट इसमें इस्तेमाल किया हुआ है, राइट गाइस? तो अभी हम इसको लगा के अगर देख लेते हैं, और इसको लगा के देख लेते हैं गाइस, राइट? थोड़ा सा हाथ में मैं ले लेता हूँ इसको, ये देखिए ये एकदम पूरे ड्राई हो गए मेरे हाथ सिर्फ इतने ही टाइम में, राइट गाइस? स्पिरिट हमें इसलिए यूज़ करना है गैस कि उसमें भी अल्कोहल होता है। अगर आपको ये क्वेश्चन होता है कि भाई स्पिरिट में अल्कोहल तो होता नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है गैस। जो एक सैनिटाइज़र के लिए चाहिए, एक सैनिटाइज़र के लिए चाहिए 60 से 70% अल्कोहल, लेकिन ये जो स्पिरिट है इसमें 40 या 50% अल्कोहल हो सकता है गैस, राइट? दैट्स वाई हम लोग एलोवेरा और ये सब यूज़ करें इसके साथ, ताकि अच्छा एक सैनिटाइज़र हम लोग बना पाए, राइट गाइस? तो ऐसे ही आप घर पे सैनिटाइज़र बना सकते हो और इसको यूज़ डेफिनेटली कर सकते हो। हालांकि मेडिकल में भी शॉर्टेज हो सकती है इसकी, राइट? और काफ़ी जगह पे हो भी गई है एक्चुअली, काफ़ी जगह पे नहीं भी मिल रहा है। तो अगर नहीं मिल रहा है घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी तरह से बना सकते हो, राइट गाइस? ये 3-4 इंग्रेडिएंट्स, अगर ये घर पे नहीं है तो मेडिकल में भी मिल सकते हैं, राइट? मेडिकल में स्पिरिट भी मिल जाएगा और सब कुछ मिल जाएगा, राइट गाइस? तो आप इसी तरह सैनिटाइज़र बना सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप बनाते हो और यूज़ करते हो तो मुझे डेफिनेटली बताना कि आपको लगा कैसा, राइट गाइस? और फ्रेग्रेंस के लिए कोई भी सेंट या फिर परफ्यूम यूज़ कर सकते हो गैस। भाई डीओ यूज़ मत करना, क्योंकि डीओ में क्या होगा, गैस होगा, उड़ जाएगा। तो जो सेंट है प्योर सेंट, इसको ही यूज़ करना, ओके गैस? तो दैट्स इट फॉर द डे गैस। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन जो है डेफिनेटली प्रेस करें, ताकि हर एक जो नई वीडियो आएगी वो आपके सामने सबसे पहले आ जाएगी, ओके गैस? आशा रखते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। थैंक यू गैस।